सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं कि आप मई के महीने में समर्स के कौन कौन से फ्लावर्स लगा सकते हो। ये वन ऑफ द रिक्वेस्ट आई थी कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मेरे पास कौन कौन से फ्लावर्स लगे हुए हैं, और उसके बाद में शेयर करूँगी कि उसके अलावा आप कौन कौन से फ्लावर्स लगा सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों से गिव अवे के विनर्स भी शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में। एंड छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर दूंगी कि प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। उसके साथ साथ आप अपने विचार मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ ऑलमोस्ट, और हर कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट मेरे ख्याल से मैंने अभी तक सारे कमेंट्स का रिप्लाई किया होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने अच्छे फ्लावर्स लगे हैं, ये है अपराजिता। अपराजिता की बेल है ये। एक छोटा सा पौधा मैं इसको लेके आई थी 80 रुपीज़ में, और उसके बाद एक साल हुआ है इसको, लास्ट फरवरी में मैंने ये शायद लिया था। और उसके बाद ये फ्लावर्स इसमें इतने प्यारे लगते हैं, ये देखो ये पर्पल रॉयल ब्लू कलर के हैं ये, और इसमें ये नई ग्रोथ है सारी आप देख सकते हो। जैसे इसमें मैंने थोड़ा वो डाला अपना सैनिटाइज़र वगैरह जो मैंने सब में डाला था वो, उसके बाद यहाँ पे अच्छी काफ़ी ग्रोथ हुई। और उसके बाद से मैं नीम ऑयल का प्रॉपर इसमें स्प्रे कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छी शूट्स इसने निकाल ली हैं। ये बहुत ईजी चलने वाला प्लांट है, और सीड से प्रॉपगेट हो जाता है बहुत जल्दी, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं बना दूंगी, अदरवाइज़ मैंने पहले भी एक इस पर वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप चेक ज़रूर कीजिएगा। और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, इसमें काफ़ी सारे, इनफैक्ट 4 कलर्स शायद इसमें आते हैं, और आप इसमें से जो भी कलर आपको पसंद हो, वाइट है, एक पिंक भी इसमें आता है, ब्लू एंड पर्पल, तो जो भी आपको पसंद हो वो आप चूज़ कर सकते हो। मुझे यही कलर मिला था और उसके अलावा कलर नहीं थे, तो अदरवाइज़ मिलता तो मैं वाइट भी लेती इसमें। और इसमें जैसे मटर लगती हैं वैसी फलियाँ इसमें लगती हैं, उसमें से सीड्स आप कलेक्ट करके इसमें बहुत सारे इसको बार मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं भी करना तो वो सीड्स यहीं पर गिरते रहेंगे और अपने आप ये प्रोपेगेट होते रहेंगे। तो ये देखोगे आप, ये छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पर जो कि सीड से ही अगेन मैंने तैयार किए हैं, लेकिन मेरे पास इनको लगाने के लिए जगह नहीं थी, तो ये भी फिलहाल इसी में चल रहे हैं। तो जैसे ही मुझे अगर स्पेस एक्स्ट्रा मिलती है तो मैं इनको और ज़्यादा प्रोपेगेट करने की कोशिश करूंगी। ये भी मैंने एक सीड से ही तैयार किया हुआ पौधा है, और ये जो आप देख रहे हो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ये इसका मदर प्लांट है। और इसके अलावा आप काफ़ी सारे फ्लावर्स और भी लगा सकते हो, जैसे कि है पोर्चुलाका। हमारी पोर्चुलाका आप देखोगे लास्ट सीजन में, जब भी मैं पोर्चुलाका मेरे यहाँ पे होती है तो मैं उसको खुद से लगाती नहीं हूँ, मतलब नर्सरी से एक दो बार मैं लाई होंगी इसको, स्टार्टिंग में एक आधा कोई कलर मुझे अगर अच्छा लगा होगा, अदरवाइज़ मैं उसको खुद से नहीं लाती हूँ। जब भी सीज़न आता है फरवरी आते आते ही वो खुद से निकलनी स्टार्ट हो जाती है, और जो हाइब्रिड वेराइटीज़ होती है वो जल्दी आती हैं, बजाय इसके कि हमारी जो लोकल वेराइटी होती है जो बिल्कुल एक्सट्रीम समर्स में चलती है, जो एकदम मैजेंटा कलर की होती है, ये जैसे आप देखोगे इनको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है जब गर्मी बढ़ती है, तो मई आने आने तक ये निकलती हैं, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी वो जल्दी निकल आती है और उसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये देखोगे आप, तो उसके बाद जब ये सारे निकल आते हैं उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि जो जो कलर्स मुझे ज़्यादा चाहिए मैं फिर उनको प्रोपेगेट करती हूँ। उसके अलावा मुझे ये लगता है कि ये भी एक रीज़न है यहाँ पे मेरे यहाँ पे मीली बग्स इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि उनको बहुत अच्छी जगह मिल गई यहाँ पे ब्रीड करने के लिए, जो कि स्पेशली पोर्चुलाकाज में ही थे, और यहाँ पे इसके एजेस में ये बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इनको छुपने की जगह मिलती है ना एजेस पे, तो इसलिए अगर ये नहीं होती बट इसको हम कुछ नहीं कर सकते, जब एक बार आपने गार्डन में लगा दी तो ये टाइम टू टाइम अपने निकलती रहेगी। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप थोड़ा लेट करना चाहते हैं तो फिर आप उसको पौधों को इनिशियली हटाते रहें और फिर बाद में उसको लगाएं, या फिर उनको आप निकाल के एक जगह पर लगा लें सबको, ताकि आप उसको फिर बाद में इजीली प्रोपेगेट कर पाएं और आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे पेस्ट की या मिली बग्स की स्पेशली ना देखने को मिले। तो मेरे साथ यही हुआ था, जहाँ जहाँ पे मेरे पौधे निकल आए थे आप लोगों ने देखा है सब जगह, मैंने कहीं से हटाया नहीं उनको, तो इसलिए वो मिली बग्स सब जगह फैली और उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब ब्रीड करने का मौका मिला, और अब भी वही चल रहा है। मैंने काफ़ी सारे पौधे तो हटा भी दिए इसके जो मेरे रोजेज में लगे हुए थे, क्योंकि मैं इनको ख़राब होता अफोर्ड नहीं कर सकती थी, हालांकि इसमें भी मुझे कहीं ना कहीं मिली बग्स दिखी, लेकिन फिर भी मैं उनको ट्रीट कर रही हूँ धीरे धीरे, मतलब कोशिश यही रहती है कि उनको ऐसे ही मैनुअली मैं उनको हटाती रहूँ। क्या चलिए मिली बग्स पर हम बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि समर में आप कौन कौन से फ्लावर्स लगा सकते हो। तो दो मैंने आपको अभी तक बताया, आप अपराजिता लगा सकते हो, उसके बाद आप ये लगा सकते हो पोर्चुलाका, इसमें आपको पर्सलिन भी मिल जाएगा, पर्सलिन मेरे पास नहीं है तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है लगा हुआ। और उसके बाद आप मैरीगोल्ड्स लगा सकते हो, मैरीगोल्ड्स हमारे बहुत अच्छे चलते हैं,
तो मैरीगोल्ड तो आप लगा ही सकते हो, उसके साथ साथ आप सनफ्लावर लगा सकते हो, जिसकी टॉल वैरायटी भी आप लगा सकते हो। उसके लिए आपको बड़े कंटेनर की ज़रूरत होगी। और उसके साथ साथ ड्वार्फ वैरायटी आती है, वो भी काफ़ी सुंदर लगते हैं, वो भी आप लगा सकते हो। मैंने काफ़ी सारे सीड्स यहाँ पर लगाए थे, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट भी हो गए, कुछ एक को मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिया था। उसके बाद आप जीनिया लगा सकते हैं, जीनिया भी बहुत सुंदर लगता है। ड्वार्फ वैरायटी और लंबी वाली वैरायटी दोनों आती हैं इसमें, जो भी आपको पसंद है, जो भी कन्वीनियंट लगे। काफ़ी सारे कलर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। अगर आपको सीड से नहीं लगाना तो आप नर्सरी जाके भी अगर आप ला सकते हैं पौधे, तो वैसे तो अवॉइड कीजिएगा, आप परचेज़ कर सकते हैं सीड्स ऑनलाइन, अगर आपके वहाँ पर ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब कि आपके वहाँ कुरियर वगैरह अच्छे से आ जाते हैं, तो आप सीड्स ऑनलाइन मंगाना प्रेफर कीजिएगा इस सिनेरियो में, क्योंकि हम सबको पता है कि कोविड की सेकेंड वेव थर्ड वेव सब चल रही हैं। तो बेटर रहेगा कि हम थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर लें और सेफ्टी बनी रहे। और इसके अलावा आप लगा सकते हो सिलोसिया, सिलोसिया की भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये देखो सिलोसिया करके मैंने यहाँ पे दो वैरायटीज़ लगाई हुई हैं, एक प्लूमोसा है, एक CRI करके है, और यहाँ पे एक जर्मिनेशन देखने को मिल रही है। मैंने इसको ट्रांसप्लांट अभी फ़िलहाल नहीं किया है। उसके बाद आप बालसम लगा सकते हो, ये बालसम के नए सीड्स मैंने लगाए थे, काफ़ी सारे पौधे यहाँ पर तैयार हो गए हैं और इनको सबको ट्रांसप्लांट करना है मुझे। बट उससे पहले यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने से पहले आंधी तूफान में कुछ डैमेज हो गई, यहाँ पर आप देख सकोगे कुछ सीलिंग्स गिरी हुई हैं, दूसरे में पेस्ट लग गई, कुछ मिली बग्स ने ख़राब कर दी, कुछ एक यहाँ पे छोटी छोटी वो लग रही हैं, क्या बोलते हैं उनको, कैटरपिलर सी, सुंडियाँ सी छोटी वाली, और मिली बग्स तो आपको पता ही है उनसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इनको खाने के लिए प्रीडेटर्स यहाँ पर मैंने देखे ही नहीं, जो स्पेशली जो वो आती है लेडी बग आती है ना, एक वो जिसको क्या कहते हैं पास फेल वाला कीड़ा, तो वो देखने को ही नहीं मिली, एक भी नहीं मिली। तो अगर वो मिलती तो काफ़ी हद तक इसमें सेफ्टी रहती। और उसके अलावा आप लगा सकते हैं काफ़ी सारे और फ्लावर्स, जैसे कि ओलियंडर आप लगा सकते हैं, टिकोमा लगा सकते हैं, अगर और लेंटाना आप लगा सकते हो। ये सारी वैरायटीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट आप इनको श्योरली समर्स में लगा सकते हो, गर्मियों के सीज़न में काफ़ी अच्छे चलते हैं ये प्लांट्स। और उसके अलावा ये पॉलिनेटर्स को भी काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, तो आप इनको लगाना मतलब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसी आपके पास स्पेस अवेलेबल हो, जो आपके पास रिसोर्सेज हो, उसके हिसाब से आप चुन सकते हो अपने पौधों को कि आप कौन से पौधे लगाना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए अब मैं आपको विनर्स के नाम अनाउंस कर देती हूँ। तो सबसे पहले विनर्स अनाउंस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन्होंने भी कमेंट किया था, जिन्होंने भी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट किया, उन सबके लिए थैंक यू सो मच। और जो विनर्स नहीं हो पाए इस बार, उनको प्लीज़ डिसहार्डन होने की ज़रूरत नहीं है। आपके एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे। आप लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं और मैं आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू, जो आप लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जान पाती हूँ, मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आप भी प्लीज़ डिसहार्डन ना हो, गिव अवे तो एक बहुत छोटी सी बात है और आई एम श्योर कि फ्यूचर में भी ऐसे गिव अवेज आते रहेंगे। तो विनर्स मैं आपको बता देती हूँ, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए फिर गिव अवे में के विनर्स जो हैं वो हैं, सबसे पहले विनर हैं रितिक्स ऑर्गेनिक गार्डनिंग, दूसरे विनर जो हैं हमारे वो हैं नुसरत करके हैं। तो विनर्स में और बाकी सारे कमेंट्स में सिर्फ इतना ही फ़र्क था, थोड़ा 19-20 का फ़र्क था। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, जो विनर्स नहीं हुए हैं और जो विन कर गए हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप 250 रुपीज़ तक की परचेज़ आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग स्टोर पे कर सकते हैं, और आप लोग मुझको मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैंने मेल आईडी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए और आप डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं द और अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर की वेबसाइट से। तो आई एम श्योर आप लोगों को ये गिव अवे विन करके अच्छा लगा होगा, और जिन्होंने नहीं विन किया है उनके लिए फ्यूचर में भी गिव अवेज आते रहेंगे। आपको अगर पहली बार आप चैनल पे आ रहे हैं तो आपको बस करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करना है मुझे। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए मुझे भी, और द अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर को भी, आप दोनों प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हुए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से जल्दी ही मिलने वाली हूँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।